नमस्कार, दंगल 2018 की शुरुआत हो चुकी है। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल और हम इस वक्त मुरैना में मौजूद हैं। मुरैना का एक अपना ही महत्व होने वाला है इस बार के विधानसभा चुनावों में, क्योंकि यहां के समीकरण ही कुछ इस तरह के हैं। हमारे साथ यहां पर आप देख सकते हैं जनता मौजूद है, जनता के साथ साथ हमारे साथ यहां पर प्रतिनिधि मौजूद हैं जो अपनी अपनी पार्टियों को यहां पर हमारे सामने रखने वाले हैं। सबसे पहले मेहमानों के साथ आपका तारुफ करा दूं। बीजेपी से प्रेमकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीएसपी से राजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सपोक संगठन जो कि नवनिर्मित है मध्य प्रदेश में और आरक्षण को लेकर लगातार मुखर है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका पक्ष रखने के लिए गजेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की अगर हम बात करें जो कि पिछले 15 सालों से लगभग आप समझ लीजिए वनवास काट रही है, और जो 2019 के लोकसभा चुनाव है उससे पहले सेमीफाइनल की तरह इन तमाम चुनावों को देख रही है, हमारे साथ हरिओम शर्मा जी जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी से, या हम यूं कहें आज ही आम आदमी पार्टी में इन्होंने शिरकत की है, बीएसपी से आज इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है, हमारे साथ राम प्रकाश राजौरिया साहब जुड़ रहे हैं। तो चलिए इस बहस की शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मुरैना की जनता क्या चाहती है। इन तमाम प्रतिनिधियों के अलावा हमारे साथ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर मुरैना वासी मौजूद हैं जो अपनी बातें हमारे साथ रखने वाले हैं और अपने दिल की बात रखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जो विकास के दावे किए जाते हैं क्या वो सच्चे हैं या फिर इनके दिल में कुछ और है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत हम कांग्रेस से करते हैं जो कि लंबे समय से अब वनवास काट रही है। देखते हैं क्या कुछ उनके पास ऐसे मुद्दे हैं जो वो सोच रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता, मुरैना की जनता उनको चुनने वाली है। हरिओम जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुद्दा एक नहीं है, अनेक मुद्दे हैं। ऐसा कोई वर्ग या ऐसा कोई चीज नहीं है जिससे भाजपा के इस कुशासन में लोग परेशान न हो, चाहे किसानों की आत्महत्या की बात हो, चाहे महिलाओं की बलात्कार की बात हो, चाहे व्यापम घोटाले की बात हो। एक घोटाला या एक कोई मुद्दा हो, इतने अनेक मुद्दे हैं, पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है। क्या वाकई क्या 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 वाकई त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया 15 सालों में? ये मेरे भाई जो कांग्रेस के मित्र हैं हरिओम जी, ये बिल्कुल व्यापम मुद्दा, पिछले चुनावों में भी यही व्यापम मुद्दा था। ये नई और जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं इनकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। संबल योजना, जो बिजली माफी पूरे प्रदेश में 77 लाख परिवारों को हमने बिजली माफी योजना के अंतर्गत जो लाभ दिया इनको नहीं दिख रहा। मुरैना में 600 बिस्तर का अस्पताल दिया इनको नहीं दिख रहा। लाली लक्ष्मी योजना इनको नहीं दिख रही। विकास की अनिर्णित योजना हमारे शिवराज सिंह जी द्वारा दी जा रही है। ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि योजनाएं मध्य प्रदेश में बहुत चल रही है, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मध्य प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा बेरोजगार है। मुरैना से स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह आते हैं, स्वास्थ्य की क्या हालत है वो भी आप बता दीजिए। हाँ, स्वास्थ्य की हालत आप देख रहे हैं, इस समय भी जिला चिकित्सालय के अंदर 600 मरीज भर्ती हैं, जबकि व्यवस्था केवल 300 मरीजों के लिए है पर्याप्त। 600 मरीजों को डॉक्टर देख रहे हैं, पलंगों की समस्या आती है, 500 बिस्तर अस्पताल नहीं है, 600 मरीज भर्ती रहते हैं, 300 बेड का हॉस्पिटल है। परंतु मध्य प्रदेश शासन में जब से अपने स्वास्थ्य मंत्री को संभाला है, उनने 600 बेड का अस्पताल दिया, नया अस्पताल बन रहा है जो कि ऐतिहासिक होगा मध्य प्रदेश के अंदर इस समय कोई दूसरा। क्या वाकई विकास किया है? बीएसपी के भी बीएसपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राजीव शर्मा जी जुड़े हैं। मुरैना की बात करें तो 6 सीटें हैं जिसमें से 4 बीजेपी के पास हैं, 2 बीएसपी के पास हैं। बीएसपी क्या मानती है इन तमाम दावों को लेकर, समझने की कोशिश करते हैं राजीव जी। निश्चित तौर पर इन्होंने बहुत विकास किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मुरैना जिले के 5 नौजवान बच्चे अभी डेंगू का शिकार हुए हैं। पूरा मुरैना उस डेंगू की बीमारी से पीड़ित है। आज हमने मुरैना के कलेक्टर महोदय से, लेकिन रुस्तम सिंह तो इसी इलाके से आते हैं, हमें लगता है हम दिल्ली से आए हैं, हमें लगता है कि यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं तो बेहतर होंगी। उसके बावजूद 5 नौजवान इस मुरैना शहर से दुनिया से विदा हो गए। क्या इस बात का जवाब दे सकते हैं आप? बिल्कुल दे सकता हूँ। डेंगू की बीमारी का आपको भी मालूम है, इसके कौन से लक्षण रहते हैं, क्या कारण रहता है। डेंगू गंदगी से पैदा नहीं होता, डेंगू साफ पानी में, साफ जगह से पैदा होता है। मेरी बात को सुना जाए, है डेंगू की जो समस्या है दिल्ली में भी है, साफ शहर इंदौर है। इसका अंतर यही है कि मुरैना साफ शहरों में गिना जा रहा है और इंदौर और दिल्ली डेंगू की समस्या। मैं इतनी जनता यहाँ पर खड़ी हुई है,
मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितनी बेरोजगारी बढ़ी है, कितने लोगों को रोजगार मिला है इन नौजवानों को, ये जनता इस बात की गवाह है। कोई रोजगार नहीं मिला, युवा यहाँ का बेरोजगार घूम रहा है। हमारा चाहता रोजगार के हमने बहुत उत्पन्न किए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केवल झूठे वादे करके सरकारें चला रही है। गलत कह रहे हैं। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हम देख रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी क्या कुछ मानती है, वो किस तरह की जमीन देखती है अपनी मध्य प्रदेश में, उनसे जान लेते हैं। राम प्रकाश जी, क्या लगता है आम आदमी पार्टी की जगह है मध्य प्रदेश में? आम आदमी पार्टी की हर वहां जगह है जहां 10 और 15 साल से भ्रष्टाचार की सरकारें होती हैं। दिल्ली में 15 साल कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार थी। तो आम आदमी पार्टी को इसमें ही पीएचडी है कि जहां ज्यादा अन्याय अत्याचार वाली सरकारें होती 15-15 साल पुरानी, उनको सिर्फ आम आदमी पार्टी आम जनता के सहयोग से उखाड़ के फेंकती है। क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी वाकई मध्य प्रदेश के चुनावों में अपनी प्रेजेंस दिखा सकती है? क्यों नहीं, ये होने वाला है। ये आपको पता चलेगा कि जहां पर 15-15 साल की, यहां भी बीजेपी को 15 साल हो गए भ्रष्टाचार करते हुए, अब इनका भ्रष्टाचार जिस तरह कैंसर अंतिम स्टेज में होता है ना, टपकने लगता है, तो भ्रष्टाचार इनके चेहरों से टपकने लगा है। प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आपकी पार्टी, आपकी सरकार राजधानी दिल्ली में है जी। वहां पर कई तरह के आरोप आपकी सरकार पर लग रहे हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला भी आपने सुना होगा। मैं बताऊं, मैं उनके आदर्शों को, उनकी नीतियों को सुन के आज ही इसमें आया हूं, इनके साहित्य को पढ़ के आया हूं। दिल्ली में मैं महीने में एक बार जाता हूं, तो वहां की व्यवस्थाओं को, जो सरकारी स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक हैं, उनसे प्रेरित होकर आज बड़े बड़े जो 5-स्टार स्कूल हैं उनसे ज्यादा सुविधाएं खैराती स्कूलों में हैं। वो जब यहां पर आएगा ना, तो बड़े बड़े स्कूल जो इनकी माफिया चल रहे हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस के जो माफियाओं के स्कूल चल रहे हैं, उन पर चोट होने वाली है। तो आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है इस बार कांग्रेस का कोई चांस नहीं है, और क्या वाकई आम आदमी पार्टी आपको टक्कर देगी, यानी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस नहीं आम आदमी पार्टी? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पार्टी भाजपा, पार्टी कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टी है। पार्टी के बारे में मैं नहीं बताना चाह रहा हूं, लेकिन जो सत्ता की पार्टी है उसके बारे में कहना चाहता हूं। मेरे भाई आदरणीय प्रेमकांत जी ने अभी बताया कि डेंगू से मृत्यु हुई और ये हुआ वो हुआ। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पूरे शहर में या जिले में कहीं बीएचसी डीडीसी का छिड़काव हुआ, कहीं मच्छरों के लिए कोई उपाय किया गया हुआ? चलिए चलिए, इस बीच जनता आपका भी रुख करेंगे। इस बीच जनता के बीच हम चले जाते हैं, जनता के पास जाते हैं जी। क्या कहना चाहेंगे? ये सभी लोग, ये जो चश्मा लगा हुआ है, ये भाजपा विरोधी गुटे हैं, इनका चश्मा लगा हुआ। अगर ये चश्मा उतार कर जब जमीन पर देखेंगे तो जमीनी हकीकत इनको मालूम पड़ेगी। भाजपा, आप भाजपा समर्थक हैं या फिर विकास को आप देखते हैं ज्यादा? विकास, पहला नजर मेरी विकास की रहती है, जो इस तरह की विकास है। मैं बिजली के ऊपर बात करूंगा तो दिग्विजय सिंह, जिनका नाम बंटाधार था, बंटाधार के समय में 4 घंटे बिजली आया करती थी, नहरों में पानी नहीं था, नहरें पक्की नहीं। क्या लगता है क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है? साल में भर्ती 2 बार आती ना, ना वो एक बार भर्ती में मुश्किल लेकर आई जाती है, आर्मी की भर्ती में। लूटने के सिवा कुछ नहीं किया, बलात्कार हुए सबसे। पिछले 15 सालों से शिवराज सरकार है, खुद को वो मामा कहलवाते हैं। मामा को खारेंगे 2018 में, कंस मामा हानिकारक है, मामा तो हानिकारक। चलिए चलिए चलिए, जनता का अपना, इस बीच जनता के बीच हम पहुंच लेते हैं, जनता से जान लेते हैं क्या कुछ उनके बीच ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो इस बार वोट करने वाले हैं। जो अपने सरकार के पास जो प्रावधान है उनका ही कभी भी उन पर ढंग से लागू नहीं किया, सुशासन की सिर्फ खोखली बातें हैं, और जनता को हर एक चीज के लिए एक योजना दे देना, ये हमारे मुख्यमंत्री की आदत पड़ गई है। क्योंकि पूरा व्यय तो सरकारी खजाने से जाना है, उनकी जेब से तो जाना नहीं है। जैसे कि भावांतर योजना, मध्य प्रदेश में जो अधिनियम है, अपने मंडी, कृषि उपज मंडी अधिनियम है 1972, उसमें कईयों ऐसे प्रावधान है कि एमएसपी घोषणा करने के बाद सरकार का ये दायित्व है, मंडी प्रांगण का ये दायित्व है कि खरीद जो और जो बोली लगे वो एमएसपी से नीचे ना हो। लेकिन इसको जब सरकार ने नोटबंदी की और नोटबंदी के बाद अचानक जो एग्री जो क्रॉप्स थी, जो जीन्स थी, उनमें दाम में कमी आई, तो उसको कवर करने के लिए इन्होंने एमएसपी तो बीच में हम अनन फनन में बढ़ा दी,
लेकिन चलिए मैं समझ गया हूँ, आप यही कहना चाहते हैं कि योजनाएं बहुत हैं लेकिन उनके क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें हैं। सवाल जवाब ले लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, योजनाएं बहुत हैं, ये बात सच है, योजनाएं बहुत हैं, कल्याणकारी योजनाएं सरकार चला रही है, लेकिन उनके क्रियान्वयन में दिक्कत कहाँ आती है? मैं रामवीर कंसाना, नगर महामंत्री भारतीय जनता पार्टी मुरैना। भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास रखती है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में विकास कराया गया है। क्या आपको लगता है इस बार भी जनता आपका साथ देने वाली है? जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ। क्या वाकई एक बार फिर से जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनने वाली है क्या? अब हमारे मित्र रामवीर जी ने कहा कि रुस्तम सिंह जी ने काफी विकास किया है। कांग्रेस सरकार में औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई थी बामोर और मालनपुर क्षेत्र में, और उन औद्योगिक इकाइयों में ज्यादातर इकाइयां इनके कार्यकाल में भाजपा के कुशासन के चलते और लूटमार के चलते, इनके संरक्षण में इतनी लूटमार हुई है उन उद्योगियों व्यवसायियों की कि वो सारी फैक्ट्रियां अभी बंद हैं। और अगर 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 कांग्रेस आती है तो उनको पुनः चालू कराया जाएगा, क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, उन उद्योग इकाइयों को पुनः चालू करा के और उन इकाइयों में यहाँ के लोगों को पुनः रोजगार दिया जाएगा। जी हमारे क्या 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 मुद्दे रहने वाले हैं इस बार मुरैना में, वोट देने जाएंगे क्या सोचकर? जी सोच के जाएंगे सर जी, कि मेरा 15 अक्टूबर को मेरे को स्वास्थ्य खराब हो गया था, मेरे को मलेरिया हो गया था, जब मैं सरकारी अस्पताल में गया था ट्रीटमेंट लेने के लिए, एक बिस्तर पर 4-4 मरीज पड़े थे और टेबलों पर बोतलें बाटलें चढ़ रही थी, कोई व्यवस्था ही नहीं है। जी सब झूठे कह रहे हैं, मैं खुद पेशेंट था उस समय, बेड पे जाकर 5-5 मरीज एक एक बेड पर पड़े थे। अब क्या सोचा है? आम आदमी पार्टी को लाना चाहते हैं, कांग्रेस को लाना चाहते हैं, किसे किसे वोट देंगे? हम तो कांग्रेस को देंगे सर, कांग्रेस के साथ। जी बिल्कुल सर, ये मरीज है, ये जिला अस्पताल की हालत है, ये मरीज खड़ा हुआ है हाथ में बोतल लेके और खुद ही बोतल पकड़ के बोतल चढ़वा रहा है, ये जिला अस्पताल की हालत है। आम आदमी निश्चित रूप से विकल्प बनेगी। बिजली दिल्ली सरकार मध्य प्रदेश सरकार से बिजली खरीद रही है और यहाँ से आधी रेट पर दिल्ली में दे रही है। अगर आम आदमी की तरफ ये देखेंगे, हमारा जो घोषणा पत्र है वो एफिडेविट के ऊपर है, अगर उसमें से कोई बात नहीं होती है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं हमारे खिलाफ। आम आदमी जो कहती है वो करती है। शिक्षा पर कौन बोलना चाहेगा? शिक्षा पर कुछ बोलना चाहेंगे? क्या क्वालिटी है शिक्षा की? मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से कि उनमें से कितनों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने मध्य प्रदेश में 1,19,092 के करीबन विद्यालय हैं और उन विद्यालयों में आपके 97,000 जो विद्यालय हैं जिनमें ऑलरेडी कमियां हैं, कहीं पे तो बिल्डिंग नहीं है, कहीं पे टीचर नहीं है, तो कहीं पे बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। अल्प मात्रा में जो विद्यालय हैं जिनमें कुछ व्यवस्था है तो वहाँ पर भी सिस्टम जो है पढ़ने पढ़ाने। क्या सिर्फ और सिर्फ लीपापोती हो रही है? भाई साहब, मैं फाटकवार से क्षेत्र से आता हूँ, वो दलित ज्यादा बस्ती है उस साइड में। इसमें विधायक बीएसपी के पसरा मुगदल जी थे, दो बार अध्यक्ष नगरपालिका के कांग्रेस के थे। इतना नरक था और इतनी सुविधा थी कि हमारे कई लोगों को तो टीबी हो गई, धूल उड़ती थी। आज बीजेपी के जो माननीय मंत्री जी हैं रुस्तम सिंह जी वो जीते हैं, महापौर अशोक अर्गल जी जीते हैं। वो आज की इस बार बदलाव क्या मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है? सिंह 200 पार और 200 पार रुस्तम सिंह फिर यहाँ से विधायक बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है अब की बार 200 पार। क्या 200 पार होंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों में यहाँ पर एक बेहतरीन कानून व्यवस्था दे पाई है? बेहतरीन कानून व्यवस्था तो नहीं, लेकिन जो डकैतों की बात थी वो डकैत वाकई में सूचीबद्ध गिरोह तो मिटाए गए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है। ये उन अधिकारियों की जावाजी थी जो आज एडीजी रैंक पर हैं, जैसे विजय यादव जी, यहाँ से जगजीवन को मिटाया डॉक्टर हरि सिंह यादव, जो डीआईजी से रिटायर हुए, जो यहाँ पर एसपी थे उस वक्त, जो आजकल एडीजी हैं डीसी सागर, वे थे। जैसे कि क्या कहना चाहिए कि मुरैना में जो मुद्दा है, राजनीति किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश में आपका भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में आपकी भारतीय जनता पार्टी, फिर जो मुरैना की स्थानीय समस्या है चंबल का रेत, जिसे लेकर के आप एक तो खदान नहीं खोलने दे रहे हो, ये जो बेरोजगार हैं, ये इनको उस खदान से रेत मिल सकता है, हमारी एक्सपर्टों से बात हुई है कि नहीं? लेकिन इस समय कुछ नहीं किया। हमारे जो पत्रकार महोदय कह रहे हैं
हाईकोर्ट क्या इस पे संज्ञान में लेके जनहित याचिका के बाद हाईकोर्ट ने इसको बैन किया। सर लेकिन कितना टाइम, 15 सालों से सरकार की मंशा है, मंशा कब तक, मंशा 15 साल से आपकी सरकार, लोगों को आपसे उम्मीद है, सवाल आपसे इसलिए ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि लोगों को आपसे उम्मीद है। सरकार की मंशा है, सरकार ने अपना पक्ष कोर्ट में रखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए हुए हैं। हाई कोर्ट ने तो SC ST एक्ट को भी कर दिया था, फिर SC ST एक्ट, SC ST एक्ट मुरैना में हिंसा सबसे ज्यादा मुरैना में हुई थी, एक व्यक्ति की भी मौत हुई थी, और आरक्षण एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर हमेशा से रहा है। कम्युनिटी का यहाँ बाहुल्य है, यहाँ सवर्ण कम्युनिटी का बाहुल्य है, एक पावर है, सवर्ण कम्युनिटी ना अन्याय करती है ना अन्याय सहती है। ये इस क्षेत्र का ये इस क्षेत्र में सवर्ण कम्युनिटी को अगर हर्ट किया जाएगा, SC ST पर सबसे बड़ा विरोध यहाँ आया था, वो सवर्ण कम्युनिटी की बहुलता की वजह से आया था। आरक्षण पर भी बात हो रही है, सपोक्ष से गजेंद्र सिंह जी हमारे साथ, गजेंद्र आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं आपके पास भी आएंगे, गजेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ हैं। गजेंद्र जी, सपोक्ष अपने आप को कहाँ देखती है, सभी 230 विधानसभा सीटों पर आप अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, कहाँ देखते हैं अपने आप को? हम अधिकतर सीटें हम लोग जीतेंगे, जिस तरह से ये इतना ऑल वर्ल्ड में कहीं ऐसा कानून नहीं है SC ST एक्ट का जिसमें 6 महीने तक हमारे लड़कों की किसी की जमानत नहीं होगी, और 1-2 अप्रैल को थोड़ा सा उद्यम करने के बाद जिस तरह से मोदी नहीं प्रत्येक पार्टी ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो आपको इज्जत करनी पड़ेगी, वो देश के प्रधानमंत्री है, नहीं उनके पद की गरिमा आपको रखनी पड़ेगी, पद की गरिमा आपको रखनी पड़ेगी, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। और यहाँ पर कांग्रेस के समर्थक है जिनका ये कहना है कि हम उनकी बात नहीं सुन रहे, यकीन मानिए हम कांग्रेस की बात बहुत प्यार से सुन रहे हैं, 14 सालों से आप इंतजार कर रहे हैं, बताएं दिल खोल के बताएं क्या कहना चाहते हैं। अभी हमारे अंकल जी बोल रहे थे कि हमने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी रेत के लिए, मैं खुद 25 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली थी रेत की खदान खुलवाने के लिए, इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई SC ST के एक्ट के लिए कि इनने अध्यादेश लेकर आए, अध्यादेश इनको लाना था तो राम मंदिर पे लेके आते, जम्मू कश्मीर पे लेके, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी और राम मंदिर, ये बात ना आए ऐसा हो नहीं सकता। राज्य कोई भी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आप कहीं राजस्थान चले जाएं, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर ही आप शिखर तक पहुंचे हैं। कब? वो कानूनी प्रक्रिया है, न्यायालय का इंतजार है, जो न्यायालय से उसमें निर्णय आएगा उस पर हम लोग चलेंगे और राम मंदिर निश्चित बनेगा, क्या न्याय बनेगा, राम मंदिर कब बनेगा? हटा दिया न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो इन्होंने खुद मिटा दिया, उस पर अध्यादेश ले आए, देश के अंदर मारकाट करवा दी। ये तो सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ जाते हैं ये लोग, तो सर्वोच्च न्यायालय का 2 मिनट में आदेश इन्हें जब्त कर दिया। राम आस्था का प्रतीक है, राजनीति के केंद्र नहीं है, राम मंदिर निश्चित बनेगा, लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में हमेशा रहा है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में हमेशा राम मंदिर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों का पर विश्वास करने वाली पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी केवल नारा लगाती थी, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। एक बात बताइए कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर बैठे हैं, BSP के प्रत्याशी यहाँ पर बैठे हैं, आप लोगों का तो गठबंधन हो रहा था दिल्ली में कहाँ पर गठबंधन, हम बिना गठबंधन के जीतेंगे, कांग्रेस के खिलाफ ही प्रत्याशी नहीं, सब पदाधिकारी अपनी अपनी पार्टियों को, मैं इनके बात का जवाब दे रहा हूँ। भाजपा में वास्तव में विकास हुआ है, इस बात को हम मानते हैं, विकास हुआ है उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जो साइकिल पर चलते थे, वो फॉर्चुनर पर चल रहे हैं आजकल। और रही गरीबी रेखा की बात, ऐसे लोगों के नाम हम बता देंगे आपको जो के जिनकी 3-3 मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है गरीबी रेखा में नाम है, इस अंचल में विकास किया है तो श्रीमंत सिंधिया जी ने विकास किया है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर की बात हो, चाहे भामौर की बात हो, चाहे मुरैना का स्टेडियम हो, चाहे नंबर 1 स्कूल हो। राम प्रकाश जी आरक्षण के मुद्दे को लेकर, एट्रोसिटी एक्ट को लेकर ना बीजेपी ने अपना रुख साफ किया है, ना कांग्रेस ने रुख साफ किया है, आम आदमी पार्टी करेगी या वो भी खेलेगी? मैं आम आदमी पार्टी में आज ही ज्वाइन हुआ हूँ, मुझे जो विकास के मुद्दे हैं, जो मैंने वहाँ देखा है दिल्ली में,
शिक्षा और चिकित्सा का, उस पर मैं बात कर सकता हूँ। और जो एक्ट की बातें हैं वो कानून की बातें हैं, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी अभी है नहीं। पार्टी का क्या दृष्टिकोण है वो अभी मुझे जानकारी। आरक्षण को लेकर युवा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आरक्षण को लेकर क्या कुछ कहना है? एट्रोसिटी एक्ट को लेकर हमने देखा कि मुरैना में किस तरह से सड़कों पर आगजनी हुई, हिंसा हुई, एक व्यक्ति की मौत हुई, कुछ बदलाव उसके बाद आप देख पाते हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण में, अरे इस प्रकार का ये कानून लाकर, अध्यादेश लाकर इन्होंने हिंदू हिंदू को एक दूसरे से लड़वाने का काम किया है, हिंदू हिंदू को लड़वाने की। बीजेपी की सोची समझी बीजेपी ने हमेशा से राम रहीम को बांटा। आज की डेट में मुरैना से रुस्तम सिंह जो विधायक हैं, उन्होंने दो दिन पहले ब्राह्मणों और गुर्जरों को बांटने की बात की। बीजेपी हमेशा इंसानियत को बांटने की बात करती है। आप युवा है, आप कांग्रेस समर्थक है, कर्नाटक में कांग्रेस ने लिंगायत और हिंदुओं को नहीं बांटा था, नहीं बांटा। कांग्रेस ने ये काम कभी नहीं किया। कांग्रेस सर रोजगार की बात, एक करोड़ 7 लाख शिक्षित बेरोजगार मध्य प्रदेश में है, ना तो उनको रोजगार दिया जा रहा है ना बेरोजगारी भत्ता। पड़ोसी राज्यों में सभी को 1000 रुपए 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। 15 साल हो गई भाजपा सरकार को, किन युवाओं को रोजगार? कांग्रेस देगी, कांग्रेस से उम्मीद है, कांग्रेस से उम्मीद है। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ अपने भाजपाई भाइयों से कि ये विकास की बात करते हैं, ये विकास की बात करते हैं, विकास कहाँ से करेंगे भैया जी? ये तो किसानों को खा रहे हैं। 45 किलो का खाद दे रहे हैं, जो 50 किलो आता था वो 5 किलो। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए योजनाएं लेकर आ रही है तो आप उसका स्वागत करेंगे? नहीं, क्योंकि किसान आज मर रहे हैं, आज मर रहे हैं किसान। 1500 रुपए क्विंटल है, आत्महत्या कर रहे हैं, 2000 का खाता कर रहे हैं। इन्होंने नारा दिया था अच्छे दिन आने वाले हैं, अब वाकई अच्छे दिन आने वाले हैं, भाजपा जाने वाली है। वो आपका क्या होगा जनाबे आली, ये तो अब की बार 200 पार कैसे करेंगे? रणनीति तैयार है? महिलाओं को आरक्षण हमने दिया है, 50% सभी नौकरियों में दिया है, पुलिस की नौकरी में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है। हम महिलाओं को जो है देश की समान नागरिक मानते हैं, कांग्रेस दोहरा चरित्र के साथ करती है। इन सारी बातों में मूल सुविधाएं रह गई, बिजली, सड़क, पानी। आज मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल है, जो पहले 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। क्या मध्य प्रदेश की सड़कें अमरीका से बेहतर है? बिल्कुल है। आपको यह बताया जाए, अभी आप इंदौर का सुपर कॉरिडोर देखिए, आप इंदौर का सुपर कॉरिडोर देखिए, भोपाल से इंदौर की रोड देखिए, ग्वालियर से इंदौर की रोड देखिए, आप इस्लामपुरा जाइए, वहाँ पानी भरा, कच्ची सड़कें, जाम देख रहे हैं। मुरैना शहर में जो आदमी ज्वारा 2 घंटे में पहुँचता था, 15 मिनट। मुरैना की जनता को पानी मिल रहा है पीने को? मुरैना की जनता को चंबल के पानी के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। मैं बीजेपी यूथ का मुरैना का जिले का अध्यक्ष हूं, मैं बताना चाहता हूं कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन आज का जो यूथ जो 2003 में 5 और 3 साल का रहा था वो आज मतदाता बन चुका है, उसको पता नहीं है कि 2003 में बिजली, सड़क, पानी का एक बड़ा। क्या मुरैना में रोजगार बढ़ा है पिछले 15 सालों में? मुरैना में रोजगार बढ़ा है? एक चीज बोलना चाहूंगा, आदमी ये बोलता है भाजपा ने कुछ नहीं किया, पहले 1 रुपए का जो धनिया था आज वो 5 के हुआ, पर ये नहीं देखता पहले 3000 मिलते थे, आज 10000 मिल रहे हैं। रोजगार है क्या मध्य प्रदेश में? रोजगार है? सुनिए, 30 साल हो गए पिनाट के पुल को माननीय राजीव गांधी उद्घाटन करके गए थे, इनकी सरकार रही केंद्र में, पिनाट का पुल आज तक नहीं बन पाया। चलिए आप बैठिए, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए और हम लगातार जी टीचरों की जगह नहीं आई है यहाँ, पिछले 5 साल हो गए, 5-6 साल से टीचरों की जगह नहीं निकली, जबकि 70,000 हमने स्टेट से बाहर कैसे हो गई होती कांग्रेस? जनता ने बाहर फेंक दिया कांग्रेस को, जनता ने बाहर फेंक दिया आपको, राज्यों से बाहर। चलिए 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 वाकई बैठिए। तो ये मुरैना की जनता का उत्साह है और इसी के लिए मुरैना की जनता जानी भी जाती है। हमारे साथ कांग्रेस
कांग्रेस के कई कार्यकर्ता कंफ्यूज नहीं हो जाते किसके पीछे जाएं? सिंधिया के पीछे जाएं, कमलनाथ के पीछे जाएं, अरुण पचौरी के पीछे जाएं, राहुल गांधी के पीछे जाएं? सिर्फ यहाँ पे सब नेता एक है, चाहे कमलनाथ जी हो, सिंधिया जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, सब कांग्रेस पार्टी एक है और एक ही होकर सब चुनाव लड़ रहे हैं। ये भाजपा के लोग हैं जो गुटबाजी फैलाने का काम करते हैं। चलिए चलिए, लगातार बातचीत का दौर जारी है। हमारे साथ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश को बड़ा होते हुए देखा है, उनसे जानते हैं क्या कुछ बदलाव है। 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सरकार है, कितने खुश हैं उससे? हुसैन और काम हिम्मत से किया है। खाने वाली बात जी है, जो काम करेगा वो खाएगा, बाहर कोई पकड़ ना सकता। लेकिन जनता के लिए काम किया। और सुनो, रोजगार वाली बात मेरे दोनों नाती बगैर पैसा के भर चुके पुलिस में और शिवपुरी में नौकरी। अब आप देख लीजिए, ये मुरैना का उत्साह है कि नेता पीछे हो गए और उनके समर्थक और कार्यकर्ता तमाम आगे हो गए हैं। नेता कहाँ है नहीं पता, क्या कहना चाहते हैं? इधर आइए, बताइए। जिस प्रकार खाद्यान्न की दुकान पर राशन मिलता है, उस प्रकार मध्य प्रदेश में शिक्षा बिच रही है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री साला चोर है। चलिए चलिए चलिए, यहाँ पर लगातार माहौल जो है वो गर्मा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? 15 साल खुश है शिवराज सरकार से? शिवराज सरकार खुश है और विकास पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है क्या कोई सरकार ने आज तक 60 साल में? ये भी मैं अपील करता हूँ, आप अपनी अपनी जगह पर वापस जाइए, हम यही हैं, आपकी आवाज सुनने ही आए हैं, आपकी आवाज सुनकर जाएंगे और पूरा देश आपकी आवाज सुनेगा। आप बैठ जाएं। हाँ जी, मुरैना में माननीय रुस्तम सिंह ने बहुत विकास किया, सज्जन परिवार के सज्जन व्यक्ति है, गुंडागिरी खत्म हुई है। रुस्तम सिंह मंत्री बने विधानसभा में, इससे मुरैना से रुस्तम सिंह बहुत सज्जन परिवार के है। यहाँ से जो माननीय श्री रुस्तम सिंह जी ने इतना विकास कराया है, इतना विकास किसी ने नहीं कराया है, चाहे रोड हो, चाहे पानी हो, चंबल से फ्लाई ओवर हो, चाहे लाइट हो, चाहे लाइट हो, चाहे रोड हो, चाहे शिक्षा हो, सारी व्यवस्थाएं, चाहे कानून व्यवस्था हो, सब काम रुस्तम सिंह जी ने कराए और किसी ने नहीं कराए। हमने संकल्प ले लिया, हम अनुसूचित जाति के लोग हैं, हम रुस्तम सिंह को जिताएंगे, विधायक बनाएंगे मुरैना से और फिर 200 पार अब की बार शिवराज को मुख्यमंत्री। चलिए जी जी जी, बताएं। और रोजगार वाली बात जो बताई वो बताई थी मैंने, और किसान वाली बात, नाज में पैसा किसानों को बढ़ाए, संतुष्ट हो या ना हो, और खाद पे पैसा। चलिए चलिए, भारतीय जनता पार्टी रुस्तम सिंह ने काम किया है, इस खेमे को भी ये लगता है क्या? क्यों स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही आपको? जो सीवर लाइन बन रही है जिसमें मतलब कि गाड़ियां गड्ढे में फंस रही हैं, पूरा शहर पोला करके रख रहे हैं, खोद के रख दिया है और आज खून में सारे रोजगार है मध्य प्रदेश में मुरैना में। सर, जब से बीजेपी की सरकार आई है रोजगार खत्म हो चुका है, नोटबंदी, GST, ईबी बिल, सब दुकानदार जितने व्यवसायी वर्ग है सब बिल्कुल बैठा हुआ है, सब परेशान है और इन्हीं के सांसद हैं, इन्हीं के PM है, इन्हीं की सब लोग हैं। तो अयोध्या में जो 2 नंबर का धंधा करता है, जो आदमी 1 नंबर का धंधा करता है, बिल से माल बेचता है, उसको कोई परेशानी नहीं है। जीएसटी ने अक्रॉस द बाउंड्रीज बहुत अच्छा व्यापार करने का हमको माध्यम प्रदान किया। करतार जी, हमने यहाँ पर लोगों का पक्ष समझने की कोशिश की, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के काम से खुश हैं, कुछ उनके विरोध में है। क्या आपको लगता है क्या मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हो पाई हैं इन 15 सालों में? रोहित जी, यहाँ का अगर मिजाज की बात की जाए तो यहाँ कोई सुविधा, कोई पार्टी की बात यहाँ नहीं करते लोग, यहाँ जातिगत आधार पर चुनाव लड़ते हैं, ना किसी को रोजगार से मतलब, ना शिक्षा से मतलब, ना किसी बात से मतलब, सिर्फ मतलब वही रखते हैं, अपनी जातियों में बढ़ते हैं और जाति के आधार पर चुनाव करते हैं। जिस दिन शिवराज सिंह ने शपथ ली उस दिन उन्होंने कहा चोर डाकू नहीं रहेंगे मध्य प्रदेश और चंबल में, और उनकी घोषणा पूरी हुई, कोई भी डकैत सूचीबद्ध ग्रोह नहीं है मुरैना के अंदर, कोई गुंडागर्दी नहीं। कांग्रेस कैसे वापसी करेगी? वनवास, अपने वनवास को कैसे खत्म करेगी कांग्रेस? कांग्रेस की वापसी तो हो चुकी है, देख रहे हैं यह उत्साह मतदान के दिन भी होगा। फिलहाल चुनाव रत्न मुरैना से इतना ही, कैमरामैन बैकुंठ के साथ रोहित पोखरियाल, चुनाव रत्न मुरैना।